हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से निकाली गई भर्ती और बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के नाम पर 5,000 रुपए तलक की वसूली की जा रही है। यहां तलक की LDC और डिप्टी लाइब्रेरियन जैसे पदों के लिए भी आवेदन शुल्क 3,000 रुपए तलक रखा गया है। भारी भरकुछ शुल्क देखकर कई बेरोजगारों ने भर्ती और शामिल होने से ही किनारा कर लिया है। RUHS की ओर से तय की गई फीस को देखकर लगता है कि वे भी आवेदन शुल्क के नाम पर हमी जेब भरने और लगा है। यदि LDC भर्ती की ही बात की जाए तो RUHS का आवेदन शुल्क करीब 8 से 10 गुना अधिक है। RPSC की ओर से अब तलक निकाली गई LDC पदों पर भर्ती को लेकर 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तलक का आवेदन शुल्क ही वसूल किया जाता रहा है। जिस समय की इसी पद पर RUHS सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 3,000 रुपए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 1,500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, वहीं लैब अटेंडेंट पद के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क तलब किया गया है। विवि से मिली जानकारी के अनुसार अशैक्षणिक पदों और लेडी मेडिकल ऑफिसर के 2 पदों, टेक्नीशियन के 21 पदों, लैब टेक्नीशियन के 8 पदों, स्टेनो के 7 पदों, LDC के 3 पदों, लैब अटेंडेंट के 7 पदों, मेडिकल सोशल वर्कर के 3 पदों, साइक्राइटिक सोशल वर्कर, स्वास्थ्य निरीक्षक, MRO और डिप्टी लाइब्रेरियन के 1-to-1 पदों, रेडियोग्राफर के 2 पदों और नर्स ग्रेड के 60 पदों पर भर्ती की जा रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।